अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। शुक्र है अल्लाह पाक का, सब भी ठीक है। जहाँ भी रहन मेरे बहन भाई, खुश थे, आबाद रहन, खिलते हंसते रहन। जिन्हें परेशान है अल्लाह से उन्हें परेशान दूर करे। आज घेना अंडे अंडे घेना अंडे पकेंदे पैसे आलू अंडे। एक सर्दी का मौसम बनया खड़े बहू अंदर पाया बहू अंदर रही टोकरी पाया नंडे। ये देख ले आया अंडे। हाँ फिर खाएगा क्या, इनको तोड़ देगा तो। आज तीसरा चौथा दिन है, दिन ही नहीं निकला, सूरज निकलता ही नहीं है, ऐसे बन के बस खड़ी है। आज तीसरा चौथा दिन है, पांचवा दिन पता नहीं सूरज कब निकलता है। तो जवेरिया ने आग जला ली है, क्योंकि सुबह को जो है ना तो अंदर खाना बनाते हैं, अंदर तंदूर है ना कमरे के अंदर, और रात को जो है फिर शाम को इधर बाहर ही बनाते हैं। तो मम्मा ने आलू छील लिए और जवेरिया ने आग भी जला लिया, तो फिर अब अंडा रेसिपी बनाएंगे। तो ये मम्मा ने ये छील लिए हैं, आलू काट लिए हैं, तो अब इनके अंदर प्याज की जो है ये डाल रही हैं, भूखे वगैरह। प्याज तहे महंगी, 1000 प्याज धड़ी, इतना महंगा थे आखड़े प्याज। फिर ये साथ कटाई हुई है प्याज की, तो वहीं से ये भूखे वगैरह ले आए थे। आटा मल के बस प्याज कटे दी पई, आलू कप्पे पैन तवे ते सटते वाले अंडे सटे सौते सारे। जवाब तू खा जाएगा तो फिर जवेरिया क्या खाएगी है? सारा तू खा भी जाएगा। अच्छा फिर किस चीज से बनाओगे? घी नहीं है तो खोल डब्बा, झूठ बोल रही है ऐसे।
काफी है इतना, इससे तो आज तक आज का तो गुजारा करें। कल फिर कल देखी जाएगी। घर खड़ना से किवें खतन दे छोड़ दे। तो अब ये मम्मा ने प्याज डाल दिए तवे के ऊपर और आलू भी धो के डालेगी। ना मार जवाब, हाथ ऊपर, हाथ जल जाएगा। ये आलू भी डाल दिए। तो अब इनके अंदर ये घी डाल के तो मसाले सारे डाल देगी। जब ये पक जाएंगे तो फिर अंडे डाल देगी। ये आलू पक गए हैं तो मम्मा इसके अंदर मसाले डाल रही है। अब ये नमक डाल रही, मिर्ची डाल रही है और हल्दी भी डालेगी। और ये हल्दी भी डाल दी। अब हाँ, तुझे आलू पका के देंगे, हम अंडा खाएंगे। तुझे आलू देंगे नहीं, तुझे आलू देंगे हम अंडा खाएंगे नहीं। तो अब ये मम्मा आंडे तोड़ रही है, देसी आंडे हमसायों के घर से ले आए हैं मुर्गी के। हाँ, एक अंडा बनाएंगे। क्यों? तो ये एक अंडा तोड़ लिया है, तो अब दूसरा मम्मा तोड़ेगी। जल्दी करो, वो जले जा रहे हैं। दूसरा अंडा भी तोड़ लिया। इसके अंदर दो गुलियां हैं, नहीं ये एक छोटी भी है ना साथ इसके साथ। ये देख, एक अंडे के अंदर दो गुलियां, एक बड़ी है एक छोटी है। तो ये अब अंडा इसके अंदर मम्मा डाल रही है। इनको मिक्स कर लो ना, गुल्ली को इसके अंदर मिक्स कर लो। सर्दी है ना इसी वजह से। तो अब अंडा इसके अंदर डाल दिया। सारे तुझे नहीं देंगे, नहीं नहीं। तो ये अंडा हमारा तैयार हो गया, तो अब मम्मा ये अंडा उतार लेगी तो फिर रोटियां पकाएगी तवे के ऊपर ही। ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, रोने के बहाने बना रहे तू। तो ये अंडा पका लिया, तो मम्मा ने ये मूंगर के अंदर ही डाल दिया। तो अब लगाएगी रोटियां। तो ये मम्मा अब लगा रही है रोटियां।
तो जवाद की मुर्गियां भी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और ये भी अंडे देने वाली है मुर्गी। एक मुर्गा एक मुर्गी है, पता नहीं ये देती कब है अंडे, क्योंकि अब मुर्गी तो ये पूरी बन चुकी है। तो ये रोटी भी जवाद की तैयार हो गई है, पहली पहली रोटी जवाद की ही होती है। क्या मुर्गा अजान भी देता है? हाँ। अच्छा, फिर तो सुबह सुबह तुम्हें उठाता होगा नींद से ऐसे। मुर्गी अजान नहीं देती होती, मुर्गे देते हैं बस। जल्दी दो, उसे भूख लगी है। इसे अलहदा डाल दो ना जवाद को। हाँ, तुम रोटी के ऊपर ही ले लो। क्यों, साथ क्यों खाएगा, सारी खा जाएगा तू। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सब बहन भाइयों को अल्लाह हाफिज़, और मेरे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन, अल्लाहु आमीन।